देख चुके हैं, मतलब कि झूले वूले मतलब एकदम रेडी हो चुके हैं और तैयार हो चुके हैं। काफ़ी सारे झूले मतलब चल रहे हैं फ्रेंड्स। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं वो मंदिर की तरफ। मंदिर आप सभी को दिखाते हैं, वो भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा आप सभी जब देखेंगे। तो अभी देखकर मेला देखकर आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, तो चलिए अभी उस मंदिर के पास चलते हैं और आप सभी को वो दिखाते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं मतलब चल रहे हैं मंदिर की तरफ, और आज भी काफ़ी सारे लोग स्नान करने के लिए आए हैं। काफ़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ है, आप सभी देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग आ जा रहे हैं। और जो भी आप सभी को दिखाया मेला का व्यू था, मतलब अभी झूले वूले मतलब स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी चलिए आप सभी को दिखाते हैं मंदिर, और उस पर पूरा आप सभी को माघ मेला का व्यू दिखाते हैं जो उस दिन आप सभी को नहीं दिखाए थे। के हैं उस मंदिर के पास में, तो चलिए चलते हैं आज आप सभी को दिखाते हैं माघ मेला कैसा लगता है, पूरा व्यू दिखाते हैं आप सभी को। देख सकते हैं आप सभी, तो चलते हैं इसके अंदर और आप सभी को दिखाते हैं मंदिर के अंदर और आप सभी को दिखाते हैं। हाँ हाँ बाकी देख सकते हैं आपसे फ्रेंड्स। देख सकते हैं आप सभी फ्रेंड्स, अगर आप सभी यहाँ स्नान करने के लिए आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ इस मंदिर पे, और आप सभी को काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, दर्शन करने को मिलेगा। तो हम अभी उस मंदिर पे हैं जो मंदिर आप सभी को दिखाए भी यहाँ पर उस दिन नहीं आए थे, तो आज आप सभी को ये दिखाने के लिए आए कि यहाँ से माघ मेला का पूरा व्यू दिखता है। तो और आप सभी को मंदिर के अंदर काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा और दर्शन करने को मिलेगा। तो अगर आप सभी आएंगे तो यहाँ पे आना और दर्शन करना और माघ मेला का पूरा व्यू देखना। तो अब इसके बाद यहाँ से नीचे उतरते हैं, फिर चलते हैं घाट की तरफ और बजरंगबली के आप सभी को दर्शन कराते हैं और घाट पे चलते हैं, फिर वहाँ पे किस तरह से भी मतलब स्नान हो रहा है, क्या हो रहा है वो आप सभी को दिखाते हैं पहुँचकर। तो चलते हैं यहाँ मंदिर से नीचे, अभी हम उस मंदिर मतलब नीचे आ चुके हैं और अभी आप सभी को लेकर चलते हैं घाट की तरफ और उस मंदिर पे शिव जी का फिर भी आएंगे, खुद ही पता चल जाएगा, दर्शन करेंगे आप सभी, खुद ही बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी चलिए चलते हैं घाट की तरफ और अभी आप सभी को घाट की तरफ लेके चलते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं क्या है अभी, और हनुमान जी का आप सभी को दर्शन कराते हैं। तो चलते हैं और आगे आप सभी को दिखाते हैं। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं पहुँच चुके हैं श्री बड़े हनुमान मंदिर के जस्ट सामने हैं अभी, और आप सभी को लेके चलते हैं मंदिर के पास और आप सभी को दिखाते हैं और दर्शन कराते हैं आप सभी को प्रभु का। और इस तरफ फूल माला प्रभु को चढ़ाने के लिए मिल जाएगा आप सभी को। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं और ये राम मंदिर अभी यहाँ पे शाम की जो लाइटिंग होगी वो देखने लायक होगी, अभी मतलब तैयारियाँ चल रही हैं, जो लाइटिंग आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, अभी तैयार होगा तो और देखने में आप सभी को अच्छा लगेगा, देखने में शाम का भी देखने में अलग ही लगेगा आप सभी को। तो देख सकते हैं आप सभी फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप सभी फ्रेंड्स यहाँ से बाहर से ही आप सभी को दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं। अब चलते हैं घाट की तरफ। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं घाट के पास आ चुके हैं और अभी यहाँ पर ऐसा व्यू है, देख सकते हैं
और इस तरफ यहाँ पे भंडारा चल रहा है, खिला रहे हैं और देख सकते हैं आप सभी। तो चलिए और आप चलते हैं आगे और आप सभी को दिखाते हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पे राजस्थानी ऊँट भी आ चुका है और काफ़ी सारे लोग स्नान करके ये लौट भी रहे हैं, देख सकते हैं घर के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे नावें बहुत मतलब ही संगम स्नान हो रहा है उस तरफ, वहाँ पे सामने की तरफ वहाँ पे स्नान हो रहा है, तो उस तरफ चलते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। फ्रेंड्स अब यहाँ पे दिन ब दिन भीड़ बढ़ने वाला है, देख सकते हैं आप सभी। वो अभी घाट के पास हैं और आप सभी देख सकते हैं घाट पे काफ़ी सारे लोग अभी स्नान कर रहे हैं, मतलब अभी संगम की तरफ जा रहे हैं स्नान करने के लिए। अभी मतलब स्नान बंदे नहीं होते, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और संगम में जाकर खास करके स्नान कर रहे हैं। आप सभी देख सकते हैं वो इस तरफ मतलब नावें चल रही हैं और अभी यहाँ पे मतलब सफाई वफाई हर एक चीज़ हो रहा है। स्नान अभी तो मतलब स्टार्ट ही हुआ है कि यहाँ पर स्नान हो रहे हैं, अभी दिन पर दिन यहाँ पर भीड़ है, जब लोग स्नान करने के लिए आएंगे। अभी तो कुछ कम है, 14 तारीख को जो मकर संक्रांति है उस दिन यहाँ पे देखने लायक होगा सिंह, तो उस दिन आप सभी को दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे भीड़ लगेगा और काफ़ी सारे श्रद्धालु लोग स्नान करने के लिए आएंगे, वो आप सभी को दिखाएंगे। तो अभी आप सभी को यहाँ का व्यू दिखाते हैं, सभी देख सकते हैं यहाँ पर संगम में नहा कर ये लोग वापस आ चुके हैं, देख सकते हैं आप सभी फ्रेंड्स। मधानी कर दिए ना जाए उतार। अभी चलते हैं त्रिवेणी संगम की तरफ, वहाँ पे आप सभी को दिखाते हैं अभी इस तरफ मतलब। तो अभी त्रिवेणी संगम का आप सभी को स्नान दिखाते हैं, वहाँ पे स्नान हो रहा है, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे स्नान कर रहे हैं, वो दिखाते हैं आप सभी को। और ठंड भी यहाँ पे बढ़ने लगा है, तो दिखाते हैं आप सभी को उस तरफ बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी सारे लोग वहाँ पे स्नान कर रहे हैं, तो वो दिखाते हैं आप सभी को। अभी देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी यहाँ पर स्नान हो रहा है, संगम में अभी तक स्नान हो रहा है, देख सकते हैं आप सभी फ्रेंड्स। इस तरह तो दोस्तों यहाँ पर भी स्नान अभी हो रहा है, देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग स्नान कर रहे हैं और वहाँ पे उस तरफ भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ भी स्नान हो रहा है।